आज का सेशन नंबर 34, जिसमें हम बात करेंगे अपना मिनरल्स, जिसमें आपका माइक्रो और मैक्रो दोनों ही मिनरल्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपका एक्वा कल्चर में, ग्रोथ पर, सर्वाइवल पर और उनका डिजीज रेजिस्टेंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वा कल्चर। जितना भी सेशन होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश में होगा। आज का जो सेशन नंबर है सेशन नंबर 34, एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ, तो जितना भी हमारा मिनरल्स हैं, चाहे उसमें माइक्रो है चाहे आपका मैक्रो है, क्या रोल है उसका। मिनरल इम्बेलेंस आर वन ऑफ द रीजंस फॉर क्रॉप फेलियर। तो जनरली फार्मर की तरफ से बहुत बार कंसर्न रेज होते हैं कि ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, सर्वाइवल प्रॉपर नहीं है, मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है? सबसे पहला आपका जो वाटर पैरामीटर्स है उनकी वजह से, और दूसरा जो मिनरल इम्बेलेंस है जिसमें अगर हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के, या जो और भी थ्रू डाइट्री सप्लीमेंट के थ्रू वो अपना पूरा करते हैं। तो वो फार्मर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो समझे और उसको वाटर पैरामीटर के थ्रू और अपना डाइट्री सप्लीमेंट जो भी वो दे रहा है उसके थ्रू उसको पूरा करे ऑन द डेली बेसिस। मिनरल इंपॉर्टेंस इन श्रिम्प फार्मिंग। तो सबसे पहला जो है ऑस्मो रेगुलेशन, जो भी एक्वाटिक एनिमल को लेना है अपना जो सिक्रेट करना है उसको वो बैलेंस करेगा तो ऑस्मो रेगुलेशन में उसकी हेल्प करेगा। पीएच बैलेंस, जो उसके बॉडी का पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका मोल्टिंग और न्यू सेल फॉर्मेशन, जहाँ पे सबसे ज्यादा उसको कैल्शियम मैग्नीशियम लगेगा और जो सोडियम पोटेशियम है वो उसके रेगुलेट करेगा बॉडी के लिए। तो ये सब फार्मर को समझना है सो देट वो उसमें ज्यादा से अपना सर्वाइवल ले सके और अपना सस्टेनेबल मॉडल भी हमारा रहे। तो सबसे पहले है आपका मिनरल्स। मिनरल्स आर नेसेसरी इन एक्वा कल्चर विच इन्वॉल्व इन वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस एट एंटायर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल द मिनरल सच एज क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडाइन, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनियम, सेलेनियम, जिंक आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड पार्टिसिपेट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। तो ये बहुत छोटा 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 कंटेंट लगेगा उसका, जो आप मिनरल मिक्सचर से पूरा कर सकते हैं और जिसका क्वांटिटी अगर आप 100 किलो पर भी देखेंगे तो 100 से 150 ग्राम ही वो आपका जाएगा। पर केजी पर भी देखें तो 1 ग्राम 1.5 ग्राम 2 ग्राम इतना ही जाएगा, पर उसका रोल बहुत बड़ा है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, कहीं ना कहीं उसको वो लगेगा। तो जब भी आप अपना फीड फॉर्मुलेशन करें वो उसको देना है एज अ डाइट्री सप्लीमेंट के थ्रू। माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज ट्रेस मिनरल्स, मीनिंग दे आर प्रेजेंट एट लो लेवल इन द बॉडी और रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट इन द एनिमल डाइट। माइक्रो मिनरल्स इंक्लूड क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडाइन, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम एंड जिंक। तो जितना भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबको चाहिए, चाहे वो हमारा एक्वा कल्चर हो, आपका पोल्ट्री हो, डेयरी हो, सब जगह ये रिक्वायर्ड रखता है। अगर आप ह्यूमन में भी देखेंगे तो ये सब मिनरल्स उसको अपने डे टू डे लाइफ में चाहिए। तो ये नहीं कि आपने एक दिन दे दिया, एक महीना नहीं दिया, डेली ही उसको रिक्वायरमेंट होगा जिससे उसका अच्छा सर्वाइवल आए, अच्छा ग्रोथ है। दूसरा है आपका मैक्रो मिनरल्स, जो उसको लार्ज क्वांटिटी में लगेगा। द मैक्रो मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम,
पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। तो ये मैक्रो मिनरल्स हैं जो उसको लार्ज क्वांटिटी में लगेगा और जो आप थ्रू वाटर सप्लीमेंट दे सकते हैं उसको, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है तो थ्रू वाटर केमिस्ट्री यू कैन इजिली मैनेज इट। ये एक टेबल्स हैं डिफरेंट मिनरल लेवल्स और सेलिनिटी का। अगर आप जीरो पीपीटी में देखेंगे तो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम का क्या वैल्यूज हैं। 2.5 में देखेंगे तो कैल्शियम आपका 43.7, पोटेशियम 11.7, मैग्नीशियम 102.6 और सोडियम 600। तो ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लगभग इनके रेशियो आपको समझने पड़ेंगे। उस पर हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस दे चुके हैं, उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ सुझाव हैं, कमेंट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप और भी किसी विषय पर हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उस पर हम साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 इज अ नंबर। वी आर एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर वर्किंग एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। Also press the bell icon so that you can get the latest update for our upcoming video. अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूजफुल इंफॉर्मेशन दे सके।